आपने जो कुछ सुना है वो दूसरों को सुना है, ये मेरी विनम्र अपेक्षा है। और जो बातें मैंने कही हैं, इन बातों को अगर बार बार सुनना हो, बार बार दूसरों को सुनाना हो, तो कुछ मैंने सीडी बनाई है MP3 मेरे व्याख्यानों की, बाहर आप जाके स्टॉल से ले सकते हैं। कोई भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप एक सीडी ले लीजिए, दो ले लीजिए, उसकी 50 कॉपी बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बनाइए, लोगों में बांटिए। मैं कभी आपके खिलाफ मुकदमा करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ ज्ञान किसी का नहीं है, ज्ञान सभी का है। ये अलग बात है कि मैंने 20 साल मेहनत करके कुछ ज्ञान अर्जित किया, वो आपको मैंने 2 घंटे में दे दिया, अब आप किसी और को ये दे दीजिए, वो किसी और को दे दे, वो किसी और को दे दे। ज्ञान ऐसे ही फैलता है, और ज्ञान जितना फैलता है अंधकार उतना कम होता है, त्रासदी उतनी कम होती है। ज्ञान के फैलने से ही उदय होता है हर चीज़ का। तो भारत का ये ज्ञान जो मैंने आपसे बांटा, शेयर किया, वो आप दूसरों को बांटें, शेयर करें। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है, और जब करने वाले लग जाते हैं तो वो हकीकत हो जाती है। आज से 150-200 साल पहले नाना साहब पेशवा ने जब सपना देखा कि मैं देश को आजादी दिलाकर रहूंगा, तब लोग उनसे कहते थे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों देख रहे हो। और मैं मानता हूं कि हर बड़े आदमी ने पहले सपना देखा है, फिर उसको हकीकत में बदलने के लिए संकल्प किया है, और फिर संकल्प के रास्ते पर चलने के लिए करोड़ों लोगों की फौज खड़ी की है, और हर बड़े आदमी का सपना पूरा हुआ है। दुनिया के किसी भी बड़े आदमी का इतिहास उठा के देखो आप।